कुवारा बाप भाग चार भाग एक दो तीन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सोना और मनोज का रिश्ता बड़ा ही अनोखा था। खून का रिश्ता न होते हुए भी दोनों एक दूसरे की जान थे। मनोज की सुबह होते तो सोना के नाम से, शाम होती तो सोना के नाम से। सोना को रोज सुबह माँ की तरह उठाना, उसको ब्रश कराना, नहलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, उसकी बस यही जिंदगी थी। चोट अगर कभी लग जाती थी उसके सोना को, तो दर्द से तड़प उठता था मनोज। मनोज के घर के सामने ही एक एसीपी का बहुत ही बड़ा बंगला था और कई गार्ड तैनात रहते थे बाहर हाथ में बंदूक लिए। एसीपी कोई और नहीं वंदना थी, लेकिन वो अब पहले वाली वंदना नहीं थी, सीधी साधी प्यार करने वाली। वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। मर्दों से तो खास नफरत करती थी और किसी भी मर्द की गलती को कभी माफ नहीं करती थी। वंदना के पास अगर कोई मर्डर केस आता तो मर्डर करने वाले के लिए कोई दया भाव नहीं रहता था सिवाय मौत के। वंदना का जहां भी पोस्टिंग होता था उसका खौफ उस इलाके में इस कदर छाया रहता था कि कोई भी कोई जुर्म करने से पहले हजार बार सोचे। वंदना का ये फंडा था कि कोर्ट भी खुद थी, सुनवाई भी खुद करती और सजा भी खुद देती थी। वंदना की चर्चा दूर दूर तक रहती थी। आलम ये था कि जिधर भी गुजरती थी उधर से कुछ लोग उसको जल्लाद बुलाते थे, बोलते बड़ी घमंडी औरत है, न जाने खुद को क्या समझती है, मुंह बनाकर सब आपस में बातें करते रहते थे। अब ये छोटा सा बच्चा सोना रोज बाहर से ही उस बंगले को निहारता रहता था। एक दिन सोना मनोज से बोला, पापा वो घर किसका है? मनोज, मत जाना, किसी का भी हो बेटा पर तुम कभी भी वहां नहीं जाना। सोना, क्यों? मनोज, क्योंकि उस बंगले की मालकिन बड़ी जल्लाद है। सोना, मतलब? आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। मनोज, मतलब कि? सोचने लगा कि बच्चों को समझाना कितना मुश्किल होता, मतलब बेटा खड़ूस आंटी है। सोना ने हाँ में सिर हिला दिया, पर वो कहते हैं ना बच्चों की फितरत होती है कि जिस चीज के मना करो उन्हें वही चाहिए रहता है, या जिस काम के लिए मना करो वो वही काम करते हैं। सोना रोज चोरी चुपके उस बंगले के गार्डन में जाता था और कुछ फूल तोड़ लाता था। बंगले का माली हैरान रहता था कि ये फूल तोड़ता कौन है। रोज सोचता था, आज इस चोर को पकड़ कर ही रहूंगा। और फिर क्या था, एक दिन सोना दोपहर को स्कूल से आते ही भागकर बंगले के पास गया और चुपके चुपके दबे पांव गार्डन में पहुंच गया और जैसे ही हाथ बढ़ाया फूल तोड़ने के लिए कि गार्ड ने आकर उसे पकड़ लिया और दो थप्पड़ जड़ दिया। सोना के फूल से कोमल गाल पर गार्ड अंगुलियों के छापे पड़ गए। गार्ड चिल्लाते हुए, माली ये लो चोर को मैंने आज पकड़ ही लिया। माली, अरे वही तो हमको एकदम से पगलवा दिया था। साहब अच्छा हुआ जो आज पकड़ा गया। गार्ड हराम खोर परेशान करके रखा था, झल्लाते हुए बोला। सोना, उन्हीं देखा कर, मैं कोई चोर बोर नहीं हूँ, घूर कर गुस्से में। और हाँ मुझे गाली मत देना, चुपकी बजा कर सोना ने गार्ड को धमकी भरे स्वर में बोला। गार्ड, अब तो उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया था और सोना के बाल को पकड़कर तड़ाक से वही पत्थर पर पटक दिया और इतनी जोर से पटका कि सोना के मुंह से चीख निकल पड़ी। पापा, पापा कहकर सोना रोने लगा। फिर गार्ड ने उसका मुंह दबा दिया। सोना का ढेर सारा खून फर्श पर बहने लगा। ये देखकर गार्ड डर गया और सोना के मुंह से अपना हाथ हटा लिया, पर तब तक सोना बेहोश हो चुका था। गार्ड को लगा कि सोना मर चुका है और वो सोना को उठाकर उसके घर के बाहर दरवाजे पर लिटाकर वापस आ गया। सोना की ये हालत देख मनोज को जानने वाले ने उसे फोन किया और सोना को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मनोज भागा भागा किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती करके बोला, मनोज सर प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहस देते हुए, परेशान ना हो, बच्चे को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खून ज्यादा बहने की वजह से बेहोश हो गया था। मनोज हैरान होकर, क्या खून? डॉक्टर
हाँ क्या तुम्हें नहीं पता? मनोज, नहीं डॉक्टर, पर कैसे? डॉक्टर, किसी पत्थर से चोट लगी है, आपके बेटे को पूरे 12 टाके लगाने पड़े हैं, और इतना ही नहीं, किसी ने मानो इसे जान से मारने की कोशिश की है। मुंह दबाकर हाथों के निशान पड़े हुए हैं। मनोज, पता नहीं पर कौन, ऐसा कौन करेगा, मेरा तो किसी से कुछ दुश्मनी भी नहीं है, फिर किसने किया? गुस्से में दांत पीसते हुए, बस एक बार मुझे पता चल जाए फिर तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा, जिसने भी मेरे बेटे के साथ ऐसा किया है। इधर गार्ड 2-3 दिन की छुट्टी ले लेता है और माली से बराबर पूछता है कि क्या हुआ, बच्चे का कुछ पता चला? माली, नहीं भाई, लगता है बच्चा जिंदा है, तभी तो कोई नहीं आया पूछताछ के लिए। 2-3 दिन में सोना की हालत सुधरने लगी थी। मनोज तो बस इंतजार कर रहा था कि कब पता चले कि उसके बेटे को किसने मारा है। बदले की आग उसके सीने में जल रही थी। सोना के होश में आते ही मनोज ने पूछा कि ये बेटा तेरा ये हाल किसने किया? गुस्से में भर कर पूछा। अपने पापा का ये रूप, इतना गुस्सा देखकर पहले तो सोना डर गया और सोचने लगा कि क्या मुझे बताना चाहिए। मनोज, बताओ बेटा ये किसने किया? सोना, पर पापा आप कुछ करोगे तो नहीं ना? मनोज, लंबी सांसें लेते हुए, नहीं बेटा कुछ नहीं करूंगा, बस समझाऊंगा कि मेरे सोना को मारे नहीं। गालों को चूमते हुए सोना ने सब हाल कह सुनाया, उसके साथ जो भी हुआ था। फिर तो मनोज की आंखों में खून उतर आया। पहले तो मनोज ने अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल से घर वापस आ गया और दवा खिलाकर सुला दिया। फिर क्या था, आप देखा ना ताव, अपनी बंदूक उठाकर सीधे बंगले पर पहुंच गया। देखते हैं आगे क्या होता है, जानने के लिए देखिए अगला भाग।